हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर को कवर करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने जो है हाउसेज और टाउन प्लानिंग वगैरह हम लोगों ने कवर किया था। और एग्रीकल्चर में देखिए, वीट एंड बार्ली जो है मेन क्रॉप्स हुआ करते थे, ठीक है। अदर क्रॉप्स कौन से थे? डेट्स थे, मस्टर्ड था, शीशम है, कॉटन है, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं, ठीक है। कौन से? जैसे पीज हो गए। इंडस पीपल वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस द कॉटन इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो कॉटन का पहला प्रोडक्शन था, ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस पीपल शोड सीड्स इन द फूड प्लेन्स ऑफ इन नवंबर एंड इसको रीप कर लेते थे देयर हार्वेस्ट ऑफ द वीट एंड बार्ली इन अप्रैल बिफोर द नेक्स्ट फ्लड, ठीक है। तो फ्लड प्लेन्स में करते थे ये सीड्स की सोइंग, और अप्रैल में जो है इसको फ्लड आने के जो है फ्लड के पहले ही नेक्स्ट फ्लड के पहले ही इसको जो है हार्वेस्ट कर लिया करते थे ये लोग, ठीक है। तो ये जो इनका पैटर्न था। और देखिए, कोई हो और प्लाउशेयर नहीं मिला है, हैव बीन डिस्कवर्ड बट द फरोज डिस्कवर्ड एट कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा में कोई हो नहीं मिला है, मतलब हल या कोई प्लाउशेयर नहीं मिला है, बट जो है यहाँ पे फरोज जो है मिले हैं, फील्ड में फरोज मिले, यानी कि ऐसा कुछ कि फील्ड को जो है इसको जो है कहीं प्लाउ किया गया था, ठीक है। इंडिकेट्स द फील्ड वर प्लाउड, ठीक है। लेकिन बनवाली की बात करें तो देखिए, बनवाली कालीबंगा में सिर्फ फरोज जो है फील्ड मिली है, बट हो नहीं मिला। बनवाली हैज यील्डेड अ कंप्लीट टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लाउ, ठीक है। यहाँ पे जो है बनवाली में प्लाउ मिला है, ठीक है। तो जो हरप्पन्स पॉसिबली यूज द वुडन प्लाउ ड्रॉन बाय द ऑक्सिन एंड कैमल एंड दे हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर दिस पर्पज। तो देखिए, ये जो जो लोग थे यहाँ पे, ये वुडन प्लाउ का यूज़ करते थे, लकड़ी के प्लाउ का यूज़ करते थे, और ऑक्सिन और कैमल्स के थ्रू उसको जो है खींचते रहे होंगे और उसको प्लाउ कराते रहे जो है फील्ड्स को जो है एग्रीकल्चर के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है देखिए, एग्रीकल्चर में लिफ्ट इरीगेशन जो है डिपेंडेंट थे लिफ्ट इरीगेशन पे रेदर देन ऑन कैनाल इरीगेशन। हाउएवर अगर आप देखिए यहाँ पे, तो एविडेंस ऑफ डैम और आपके ये सारी चीज़ें मिली हैं, कैनाल्स और डैम्स वगैरह मिले हैं, बट कैनाल इरीगेशन जो है ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं, बल्कि लिफ्ट इरीगेशन पे डिपेंडेंट थे वो लोग। टू टाइप्स ऑफ वीट एंड बार्ली ग्रोन, ठीक है। सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ बार्ली वो डिस्कवर्ड एट बनवाली, ठीक है। तो बार्ली जो है सब्सटेंशियल क्वांटिटी में बनवाली में डिस्कवर किया गया है। अब एनिमल्स की बात करिए, कौन से एनिमल्स वो डोमेस्टिकेट करते थे? तो देखिए, ऑक्सिन है, बुफेलोज हैं, गोट्स है, शीप्स है, पिक्स वर डोमेस्टिकेटेड। हम बुल्स वर फेवर्ड बाय द हरप्पन्स, ठीक है। तो हम बुल को ज़्यादा फेवर करते थे हड़प्पन के लोग, हड़प्पन जो है सिविलाइजेशन के लोग, क्योंकि इसको जो है थोड़ा सैक्रेड मानते थे, पवित्र मानते थे। द कैमल्स एंड एसेस जो है ये एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह इनको यूज़ किया जाता था, मतलब कोई काम का भार पूरा मैक्सिमम इनके ऊपर होता था, ठीक है। हड़प्पन कल्चर वॉज नॉट अ हॉर्स सेंटर, देखिए हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, लेकिन सुप्त कांगेडोर से यहाँ पे हॉर्स के बोन्स मिले हैं, बट वो डाउटफुल है, अभी जो है उनका आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, जो हॉर्स सेंटर नहीं था, इट वाज नॉट हरप्पन सिविलाइजेशन वाज नॉट हॉर्स सेंटर, नीदर द बोन्स ऑफ द हॉर्स नॉर द रिमेनेंट्स या रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन ट्रेस्ड, कि टेराकोटा का कोई मतलब ऐसे मिल जाए जो हॉर्स जिसमें टेराकोटा का टॉय ही हो, कोई ऐसा कुछ मिला नहीं है। द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम द सुरकोटडा गुजरात से, सुत कांगेडोर अलग है, सुरकोटडा अलग है, तो गुजरात में सुरकोटडा से जो है ये मिला है, बट इट्स आइडेंटिटी इज डाउटफुल, ठीक है। अभी हम कह नहीं सकते कि हॉर्स का ही है। एलिफेंट्स वर वेल नोन टू द हड़प्पन्स, ठीक है। फ्रॉम अमरी अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ इंडियन राइनोज हैज बीन रिपोर्टेड, ठीक है। तो इंडियन राइनोज जो है वो कहाँ से? अमरी से जो है मिला है हमें, जो है रिपोर्ट हुआ है। अब देखिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, तो देखिए हरप्पन, द हरप्पन्स वर इंगेज इन द वाइड रेंज ऑफ द ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस थे, जैसे कैसे स्पिनिंग टू वीविंग ऑफ कॉटन, वूल क्लॉथ्स, बीड मेकिंग, ठीक है। तो बीड्स वर मेड, किस किस चीज़ के बीड्स हुआ करते थे? गोल्ड्स के, सिल्वर के। तो अगर ये आएगा कि गोल्ड्स के ऑर्नामेंट वो पहनते थे, तो बिल्कुल गोल्ड्स और सिल्वर, कॉपर, ठीक है, फियंस, स्टेटाइट, सेमी प्रीसियस स्टोन्स, शेल्स और आइवरी, इन सब के बीड्स होते थे। बोट मेकिंग बहुत वहाँ पे प्रचलित था, ठीक है। जो लोथल था वो बोट मेकिंग के लिए जो है फेमस था, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि डॉकयार्ड वगैरह थे। और कुछ ऐसे सील्स भी मिले जहाँ पे बोट वगैरह बने हुए थे, तो मतलब ये है कि बोट मेकिंग वगैरह होती थी, और बोट जब थी तो इसका मतलब है कि बाहर की जो जो है दुनिया है वहाँ से भी संपर्क इन लोग का था, ठीक है।
पोट्री मेकिंग, सील मेकिंग, ठीक है, स्क्वायर और जो है ऑबलोंग मेड ऑफ आइवरी, ठीक है, ये स्टेटाइड ऑफ मेन्स, ये सारी चीज़ें जो है बनती थी। टेराकोटा मैन्युफैक्चर जो था, इट इंक्लूडेड लार्ज नंबर ऑफ फिगरेंस लाइक चिल्ड्रंस टॉय, ठीक है, ब्रिक लेइंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। पोट्री चीफली ऑफ रेड क्ले, लाल कलर की पोट्री होती थी, और अगर कोई ऑर्नामेंटेशन करना था उस पर तो ब्लैक कलर का एक बैंड या फिर उस पर जो है बर्ड्स का फिगर या एनिमल्स कोई भी, या फिर कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न ही ड्रॉ कर दिया करते थे ऑर्नामेंटेशन के लिए, उसको सजाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। बीट मेकर्स शॉप अलॉन्ग विद देयर इक्विपमेंट वर डिस्कवर्ड इन लोथल एंड चहुंद्रो, ठीक है, तो बीट जो बीट मेकर्स थे उनके शॉप जो है लोथल और चहुंद्रो में हम देखेंगे वो इक्विपमेंट जो है डिस्कवर किए गए थे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है एक्सटेंसिव क्राफ्ट सेंटर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द शेल ऑब्जेक्ट्स आर नोन फ्रॉम चहुंद्रो लोथल एंड बालाकोट, ठीक है, तो ये जो है हमारा क्राफ्ट सेंटर की बात करें तो कहाँ से मिलेगा, चहुंद्रो लोथल आपको पता है, बालाकोट भी ऐड कर लीजिएगा, बालाकोट चहुंद्रो लोथल से मिलता है। मेटल वर्किंग वॉज हाईली स्किल्ड, ठीक है, हड़प्पन अर्बन कल्चर बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज एज, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एंड ऑर्डिनरी ब्रॉन्ज वॉज मेड बाई द स्मिथ मिक्सिंग टिन एंड कॉपर, तो टिन और कॉपर को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते थे, ठीक है। सायर प्रोडर एक मेथड होता है जिसको हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी कहते हैं, तो जो है ये जो है कास्टिंग ऑफ द ब्रॉन्ज एंड फेमस फिगर्स ऑफ डांसिंग गर्ल रिकवर्ड फ्रॉम द मोहनजोदड़ो वाज मेड बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए एक टेक्निक होती है सायर प्रोडर, ये जो है एक टेक्निक है, इसके थ्रू जो है जो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदड़ो की, डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो की, ये जो है इसी मेथड से बनाया गया था, ठीक है। गोल्ड ऑकर इन द फॉर्म ऑफ द बीड्स, ठीक है, पेंडेंट्स, अमलेट्स, अमलेट्स मतलब होता है ना जो वो बांधते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, कुछ गले में पहन लेते हैं, हाथ में बांध लेते हैं ब्लैक कलर का, ठीक है। तो अमलेट्स वगैरह ये भी शो करते थे, अमलेट्स मतलब होता है कि जैसे कुछ पुरानी प्रथाएं हैं कि नज़र वज़र का ऐसा कुछ होता है ना कि नज़र ना लगे या कुछ ऐसा, या जो है किसी ऐसे भूत प्रेत से बचने के लिए कुछ ऐसा लोग कर लेते हैं, तो वो जो है ऐसा कुछ मान्यता भी वहाँ पे थी, इससे ये पता चलता है। और निडल्स हैं, स्मॉल पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर मेक्स इट्स अर्लीस्ट अपीयरेंस इन इंडिया टू डेट द इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, तो अर्लीस्ट अपीयरेंस जो है इंडस सिविलाइजेशन हमें मिलती है सिल्वर की। इन स्पाइट ऑफ द कॉमन यूज ऑफ द मेटल स्टोन्स वॉज नॉट अबंडेंट एंड द चर्ट ब्लेड्स सप्लाइड फ्रॉम द फैक्ट्रीज एज अ सुकूर वर प्रिपेयर्ड एट द सेटलमेंट्स, तो मतलब ये सारे जो है हमारे पास ऑर्नामेंट्स थे, सारे मेटल्स थे, उसके बाद भी जो स्टोन है उसको हमने छोड़ नहीं दिया था, स्टोन भी उस टाइम यूज किया जाता था हरप्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है, हमने मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन। देखिए बियर्ड हेड इन अ स्टोन फ्रॉम द मोहनजोदड़ो इज वेल नोन पीस ऑफ आर्ट, ठीक है, एक बियर्ड जो है हेड मिला है, ठीक है, वो उनके आर्म्स जो है नहीं है, हेड है, ठीक है ना, टॉर्सो है उसके साथ में, तो ये जो है मिला हुआ है और ये मोहनजोदड़ो में मिला है, लेकिन ये जो है बहुत ही ब्यूटीफुल जो है ब्यूटीफुली बनाया गया है, हर एक चीज़ का बहुत, आप देखेंगे कि जो जो शॉल एक ओढ़ा हुआ है उन्होंने, शॉल में डैपरिंग है, ठीक है, डैपरिंग है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कार्व किया गया है। तो आप जो है आर्ट के बारे में सोचिए तो आर्ट बहुत ही जो है वहाँ पे उस टाइम बहुत ही जो है आर्ट में लोग बहुत ही स्किल्ड थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बियर्ड जो जो हेड है वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, डांसिंग गर्ल कहाँ से मोहनजोदड़ो से मिली है, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में मिला है, और आपका जो है ग्रेट ग्रीनरीज भी मोहनजोदड़ो में मिली है, हड़प्पा में क्या मिली है, ग्रीनरीज इन टू रोज, ठीक है, सिक्स ग्रीनरीज इन टू रोज, तो ये जो है हड़प्पा से मिली है। ट्रेड और कॉमर्स की बात करें तो देखिए देयर वर एक्सटेंसिव इनलैंड ट्रेड विद राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड बिहार, एज वेल एज द फॉरेन ट्रेड विद मेसोपोटामियंस एंड सुमेरिया, ठीक है, मेसोपोटामिया और सुमेरिया से भी जो है आपका मॉडर्न डे इराक को हम कहते हैं, और बहरीन यहाँ से जो है क्या मिला है, फॉरेन ट्रेड जो है यहाँ से किया जाता था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट टू ट्रेड लिंक बिटवीन द सुमेरियन एंड इंडस पीपल, ठीक है, सुमेरियन ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड, जस्ट सेकेंड प्लीज, सुमेरियन टेक्स्ट रेफर टू द ट्रेड रिलेशंस विद मेलुहा, ठीक है, सुमेरियन जो टेक्स्ट थे यानी कि जो ईरान वगैरह था वहाँ का जो टेक्स्ट है वो रेफर करता है कि मेलुहा जैसी कोई जगह थी, मेलुहा को हम जैसे सिंध प्रांत है ना, देखिए आपने जो है एक बुक पढ़ी होगी अगर इमॉर्टल ऑफ मेलुहा, ठीक है, तो उसमें मेलुहा वर्ड का जो है टाइटल भी है बुक का इमॉर्टल ऑफ मेलुहा, तो ये जो है आपका सिंध जो एरिया है यानी पंजाब हरियाणा, ये इसको मेलुहा कहा जाता था, और अगर जो पंजाब का मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पंजाब मैं इंक्लूड कर रही हूँ, विच वॉज द एंशियंट नेम गिवन टू द इंडस रीजन, एंड दे
ऑल्सो स्पीक ऑफ टू इंटरमीडिएट स्टेशन लाइक दिलमन, ठीक है, दिलमन आइडेंटिफाइड एज बहरीन एंड द, ये आपका माकन यानी कि मकरान कोस्ट, ठीक है. तो जो हमारा जो टेक्स्ट था, सुमेरियन टेक्स्ट था, उसमें तीन जगहों का जो है मेंशन है नाम, एक तो है मेलुहा, ठीक है, दूसरा है दिलमन और मकरान. मेलुहा मतलब क्या होता है, मेलुहा मतलब इंडस रीजन, दिलमन जो है बहरीन से हम आइडेंटिफाई करते हैं, और जो है ये माकन को मकरान कोस्ट से, ठीक है. अबाउट टू डजन इंडस टाइप सील्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द डिफरेंट साइट्स, ठीक है, दो डजन सील्स हमें मिले हैं, जैसे मेसोपोटामिया लाइक उर किस सूसा, ठीक है, लागाश एंड तेल असमार. ऑल एक्सचेंजेस वर प्रॉपर्ली कैरिड ऑन थ्रू द बार्टर सिस्टम. सॉरी जस्ट अ सेकंड प्लीज. तो जितने भी एक्सचेंजेस हुआ करते थे, सारे एक्सचेंज जो है वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होते थे मोस्टली, ठीक है. ऐसा नहीं था सील्स भी था तो सील्स के थ्रू भी करते थे, लेकिन बार्टर सिस्टम मोस्टली जो है यहाँ पे था. बार्टर सिस्टम मतलब आपको पता है कि जब हमें, हमारे पास कोई चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास टमाटर है और हमें जो है आलू खरीदना है, तो टमाटर के बदले हम आलू लेते हैं, हम टमाटर उनको दे देते हैं और आलू हम ले लेते हैं, ठीक है. लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम होती है कि आपके पास जो है टमाटर है तो अगले के पास भी जो है आलू आपको देने के लिए होना चाहिए, या फिर उसको अगर टमाटर लेना है तभी वो आलू से एक्सचेंज करेगा, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. तो ये बार्टर सिस्टम होता था. अब देखिए बुलक्स, ठीक है, बुलक्स, बुलक कार्ड्स एविडेंट फ्रॉम टेराकोटा मॉडल्स. एंड देखिए यहाँ पे जो है ऑक्सन वर एम्प्लॉयड फॉर लॉन्ग जो है लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लैंड पे अगर दूसरे को, एक दूसरे को कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो ये जो है बुलक्स और ऑक्सन जो है उनकी हेल्प लेके वो ट्रांसपोर्ट करते थे. ये रिसेंट टाइम में भी अभी आप देख सकते हैं बुलक्स वगैरह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, अभी ज़्यादा टाइम की बात नहीं हुई है. तो देखिए एविडेंस ऑफ द सी एंड रिवर ट्रांसपोर्ट बाय द शिप्स एंड बोट्स इन सेवरल सील्स एंड टेराकोटा मॉडल्स अपार्ट फ्रॉम द डॉक यार्ड फ्रॉम लोथल, ठीक है. तो क्या है इसका, किसका एविडेंस, एविडेंस ऑफ सीज एंड रिवर ट्रांसपोर्ट, सी और रिवर ट्रांसपोर्ट जो है बाय शिप्स और बोट्स जो है ये भी होता था. बहुत सारे सेवरल सील्स एंड टेराकोटा मॉडल्स जो है ये भी जो है मिले हैं अपार्ट फ्रॉम द डॉक यार्ड फ्रॉम लोथल, ठीक है. मेजर इम्पोर्ट्स बाय द हरप्पन पीपल, बहुत सारे इम्पोर्ट्स जो है होते थे हरप्पन पीपल से, ठीक है, इम्पोर्ट्स बाय द हरप्पन पीपल्स. कौन कौन से इम्पोर्ट्स हैं, तो देखिए ये जो है आपका लैपिस लाजुली, ठीक है, लैपिस लाजुली ये कहाँ से इम्पोर्ट किया जाता था लैपिस लाजुली, तो देखिए लैपिस लाजुली का जो इम्पोर्ट है वो है शोटगई, ठीक है, अफगानिस्तान में है शोटगई, वहाँ से लैपिस लाजुली लोग लाते थे, ठीक है. कार्लेनियल बीट्स जो है ये आपका बरूच से, गुजरात से जो है इम्पोर्ट किया करते थे कार्लेनियल बीट्स. गोल्ड जो है ये कोलार कर्नाटका के माइन से है ना, कोलार है. टिन जो है अफगानिस्तान से, स्टेटाइट जो है ईरान और साउथ राजस्थान से, ठीक है, स्टेटाइट कहाँ से, ईरान एंड साउथ राजस्थान. एंड सिल्वर अफगानिस्तान एंड ईरान, ठीक है. अगाट ये जो है आपका सौराष्ट्र गुजरात से, ठीक है. टॉर्क्यूज ये पर्सिया से, ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिएगा. क्रॉन्च सेल जो है सौराष्ट्र से एंड डेक्कन से. तो ये सारे जो हैं, ये जेड ये आपका सेंट्रल एशिया से है, ठीक है. एमेथिस्ट ये आपका महाराष्ट्र से. तो एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, एक बार दूसरा दोबारा फिर से सुन लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है. अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, उसके पहले ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो पहले इसको देखेंगे. इट्स ट्रेड और कॉमर्स हमारा हो गया था आई थिंक, ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स हमने कर लिया है. अब हम पढ़ेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, देखिए एक्सक्यूवेशन इंडिकेट्स हायरार्की इन द अर्बन हैबिटेशन, ठीक है, एक हायरार्की कहीं ना कहीं थी. सोशल डिफ्रेंसिएशन इज इंडिकेटेड बाई द डिफरेंट रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स विद द नंबर ऑफ रूम्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 12, ठीक है. तो देखिए इसमें जो है क्या था कि कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन था, कहीं कोई हायरार्की तो थी वहाँ पे, क्योंकि देखिए एक सिटाडल था, एक लोअर टाउन था, और उसमें भी एक था कि जैसे कुछ रूम्स थे सिंगल रूम्स हैं और दो रूम्स बने हुए हैं, कहीं कहीं पे 12-12 रूम्स के घर बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन था सोसाइटी में. पीपल वर बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, बोथ कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स वर यूज बाई द इंडस पीपल, ठीक है. दे वर फैशनेबल, ठीक है. डिस्कवरी ऑफ आइवरी कॉम, कॉम आइवरी के कॉम्स मिले हैं, ठीक है. ब्रॉन्ज मिरर्स मिले हैं, रेजर्स मिले हैं, पाउडर्स मिले हैं, परफ्यूम ऑयल्स मिले हैं, लिपस्टिक्स मिली हैं, कन्फर्म देयर लव फॉर फैशन, ठीक है. बोथ मैन एंड वीमेन यूज ऑर्नामेंट फ्रिक्वेंटली, तो एग्जाम में आ गया कि सिर्फ वीमेन नहीं, मैन और वीमेन दोनों करते थे. बैंगल्स, नेकलेसेस, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, ईयर रिंग्स एंड ब्रेसलेट्स वर वेरी पॉपुलर, ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर थी. दे लव म्यूजिक एंड डांसिंग एंड प्लेड वेरियस गेम्स लाइक चेस, ठीक है. दे ऑल्सो इंजॉयड हंटिंग, फिशिंग एंड बर्ड
फाइटिंग, बुल फाइट्स एंड गैम्बलिंग. तो कौन सा उनका जो है ये पास टाइम कैसे होता था, तो ये आपका है हंटिंग, फिशिंग, ठीक है, बर्ड फाइटिंग, बुल फाइट्स, गैम्बलिंग, डांसिंग वॉज अ कॉमन पास टाइम. ठीक है, डांसिंग जो है बहुत ही जो है वो अपना जो है उनका एंटरटेनमेंट का एक जरिया था. द कंडीशन ऑफ द वुमेन वर वेरी रिस्पेक्टेबल. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो वुमेन्स का जो कंडीशन था वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल था. ठीक है, रिस्पेक्टेबल था. और क्वालिटी की बात करें तो देयर इज़ नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ एविडेंस अबाउट द नेचर ऑफ क्वालिटी. कोई क्लियर कट ऐसे एविडेंस क्वालिटी का हमें नहीं मिला है. इन हरप्पन कल्चर सिटैडल मे हैव बीन द सीट ऑफ द सॉवरेन पावर. ठीक है, सिटैडल जो है इसको मैं थोड़ा सा ज़ूम करके देख लेती हूँ एक बार. देखिए, कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं मिला अबाउट द नेचर ऑफ द पॉलिटी. द हरप्पन कल्चर द सिटैडल मे हैव बीन द सीट ऑफ द सॉवरेन पावर एंड द मिडल टाउन मे हैव बीन द एरिया वेयर द ब्यूरोक्रेट्स लिव्ड और सीट ऑफ द गवर्नमेंट. इट अपीयर्स दैट टैक्स वर कलेक्टेड इन ग्रेन. ठीक है, तो देखिए दो पार्टी मैंने बताया, सिटैडल और लोअर या मिडल टाउन था. तो सिटैडल जो है वो जो सुप्रीम पावर हुआ करती रही होगी, चाहे वो प्रीस्ट होंगे, चाहे वो जो है प्रीस्ट, ऐसा प्रीस्ट का मिला नहीं है, बिजनेसमैन ही ट्रेडर्स रहे होंगे. और जो लोअर टाउन है वहाँ पे जो, या मिडल टाउन है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे, लोअर टाउन में वर्कर्स रहते थे. तो आपको कमेंट सेक्शन में बताने की कौन सी ऐसी सिटी थी जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी. तीन पार्ट्स में जनरली जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिटैडल और लोअर टाउन हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे सिटैडल, मिडल टाउन और लोअर टाउन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था. सिटी का आपको नाम बताना है जो है कौन सा अर्बन सेंटर था. ठीक है, ये आपको बताना है. तो यहाँ पे देखिए टैक्स वगैरह भी कलेक्ट होते थे, ग्रेन्स पे टैक्स हुआ करते थे. इन शार्प कॉन्ट्रास्ट द इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हरप्पन साइट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे मेसोपोटामिया और इजिप्ट में हम देखें तो बहुत सारे जो है वर्शिपिंग प्लेस मिले हैं, टेम्पल्स मिले हैं, बट हरप्पन साइट्स में ऐसे कोई टेम्पल्स नहीं मिले हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरप्पन साइट्स में कोई टेम्पल नहीं मिले हैं. नो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी काइंड अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट बाथ हैव बीन एक्सकवेटेड. ठीक है, ग्रेट बात कोई जो है आपके सेक्रेट रिचुअल के लिए था, इसके अलावा कोई भी ऐसे जो है रिलीजियस कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला है. ठीक है, तो ये जो है हमारा हरप्पन साइट है. एंड इट वुड देयरफॉर बी रॉन्ग टू थिंक दैट प्रीस्ट रूल इन हरप्पा. ठीक है, ऐसे प्रीस्ट का रूल नहीं रहा होगा. द हरप्पन रूलर्स वर मोर कंसर्न विद द कॉमर्स दैन द कॉन्केस्ट. ठीक है, कॉन्केस्ट पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते थे, बट कॉमर्स पे ज़्यादा उनका फोकस था. द हरप्पन या हरप्पा वॉज पॉसिबली रूल्ड बाई द क्लास ऑफ मर्चेंट्स. ठीक है, तो मर्चेंट्स के क्लास जो होते थे वही जो है पॉसिबली हरप्पा को रूल कर रहे होंगे. ठीक है, अब देखिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो इन हरप्पा न्यूमरस टेराकोटा फिगरेंस ऑफ वुमेन हैज़ बीन फाउंड. बहुत सारे जो है फिगर्स मिले हैं वुमेन्स के, टेराकोटा जो है वुमेन्स के. इन वन फिगर द प्लांट इज शोन ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ एन वुमेन. ठीक है, तो एक प्लांट जो है दिखाया गया है कि एक वुमेन के एम्ब्रियो से एक प्लांट निकलता हुआ, विच प्रोबेबली रिप्रेजेंट्स द गॉडेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ की गॉडेस को मे बी रिप्रेजेंट किया गया हो वो. ठीक है, कंसर्न विद द ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. द हरप्पन्स देयरफॉर लुक्ड अपॉन द अर्थ एज द फर्टिलिटी गॉडेस. ठीक है, तो अर्थ को जो है फर्टिलिटी गॉडेस की तरह वो देखते थे एंड वर्शिप्ड हर. सीन्स ऑफ द मेल डेटी आइडेंटिफाइड एज द पशुपति महादेव फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो इज अ प्रोमिनेंट वन. ठीक है, तो पशुपति महादेव भी जो है कहाँ से जो है ये आपके मोहनजोदाड़ो से एक्सकवेट हुए हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट वो थे, उनकी वर्शिप की जाती थी. ट्रीज एंड एनिमल्स फॉर वर्शिप. द डिपिक्शन ऑफ अ डेटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ सीन एडमिस ब्रांचेस ऑफ द पीपल. ठीक है ना, तो जो है द डिपिक्शन ऑफ अ डेटी इज रिप्रेजेंटेड. देखिए एक सील पे रिप्रेजेंट किया गया है ब्रांचेस के, पीपल के ब्रांचेस पे डेटी को. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल वर्शिप इज वन हॉर्न एनिमल कॉल्ड एज यूनिकॉर्न. ठीक है, तो एक एनिमल को बहुत ज़्यादा वर्शिप किया जाता था. अगर एग्जाम इसमें आ गया कि काऊ, तो काऊ नहीं बल्कि वन हॉर्न राइनो जो है बहुत ज़्यादा वर्शिप किया जाता था यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो है बरियल प्रैक्टिसेस. ठीक है, कैसे लोगों को दफन किया जाता था उनके अंत समय में. तो देखिए थ्री फॉर्म ऑफ बरियल आर फाउंड एट मोहनजोदाड़ो. तीन फॉर्म के बरियल्स हुआ करते थे. एक तो कंप्लीट बरियल है, कंप्लीट बरियल. सेकेंड इज फ्रैक्शनल बरियल. ठीक है, बरियल ऑफ सम बोन्स आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट एंड बर्ड्स एंड द पोस्ट क्रिमेशन बरियल. ठीक है, पोस्ट क्रिमेशन बरियल. तीन तरीके के बरियल थे, तीन तरीके के बरियल्स थे. एक तो है कंप्लीट बरियल. ठीक है, पूरे तरीके से बरी कर दिया जो है, पूरे तरीके से बरी कर दिया गया. और दूसरा जो है आपका ये है जो है फ्रैक्शनल बरियल, जहाँ पे पहले जो है बॉडी को एक्सपोज कर दिया जाता है एनिमल्स के लिए कि
वो अपना पेट भर सके, और उसके बाद जो बचता था वो पार्ट को बरी कर दिया जाता था। दूसरा है पोस्ट क्रिमेशन बर्गल, यानी कि उनका दाह संस्कार करने के बाद जो चीज़ें बचती थी वो क्रिमेशन के बाद उसको बरी करता था। तो तीन तरीके के बरियल्स हुआ करते थे, ठीक है। इन जनरल प्रैक्टिस वॉज एक्सटेंडेड इन ह्यूमन द बॉडी लेइंग ऑन इट्स सॉरी ऑन इट्स बैक विद द हेड जनरली टू द नॉर्थ, ठीक है। तो ये जो है बॉडी जो है बैक की तरफ जो है ले करती थी और हेड जो है नॉर्थ में, लेग जो है साउथ में, इस तरीके से बरी करते थे। द एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ पॉट बरियल फ्रॉम द सुरकोटडा, ठीक है। पॉट बरियल मतलब किसी पॉट में इंसान को बरी कर दिया जाता था, ये सुरकोटडा में मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है कि पॉट बरियल कहाँ से मिला, तो ये सुरकोटडा से मिला है, ठीक है। पॉट बरियल कहाँ से मिला है, सुरकोटडा से, ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स की बात करें, ठीक है, तो हरप्पन्स यूज वेट्स एंड मेजर्स फॉर ट्रेड एंड अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रेड और ट्रांजेक्शन के लिए, अदर ट्रांजेक्शन के लिए वेट्स और मेजर्स का यूज़ किया जाता था। द वेट्स कैसे प्रोसीड करते थे, द सीरीज फर्स्ट डबलिंग 1, 2, 4, 8, 16, 64 ऐसे डबल करते जाते थे, एंड देन द डेसिमल मल्टीप्लाइज। दूसरा था 16, सच एस 16 है, 160 है, 320 है और 640 है, ठीक है, 16 के मल्टीप्लाइज में, और फिर ऐसे ही बढ़ते डबलिंग फॉर्म में भी, ठीक है, और दूसरा है डेसिमल मल्टीप्लाइज में भी, इन देन डेसिमल मल्टीप्लाइज ऑफ 16, ठीक है। तो ये जो है इन वेटिंग लार्जली 16 और इट्स मल्टीपल्स वेयर यूज, ठीक है। तो 16 है उसके मल्टीपल जो है हम वेट में यूज करते थे। दे ऑल्सो न्यू, दे ऑल्सो दिस इज कैन, हाँ, दे ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ द मेजरमेंट। मेजरमेंट का आर्ट उनको पता था। स्टिक्स एंड स्टिक्स इंस्क्राइब्ड विद मेजर मार्क्स हैव बीन फाउंड, and one of these made of bronze, ठीक है। जो स्टिक्स थे, स्टिक्स पे मेजर मार्क्स बने होते थे, जैसे हमारे पास एक स्केल होती है ना, उसमें मेजर्स बने होते हैं, ऐसे ही उनके पास स्टिक हुआ करती थी, तो उस पर मेजर मार्क्स बने होते थे, ठीक है ना। और ये जो है ब्रॉन्ज का स्टिक था, ठीक है, ब्रॉन्ज का स्टिक था। द हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो देखिए, अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड इन 1853, कब डिस्कवर किया गया, 1853, एंड द कंप्लीट स्क्रिप्ट बाय द 1923, इट हैज़ येट टू बी डिसाइफर्ड। तो हमें मिल तो बहुत पहले गया है, लेकिन अभी डिसाइफर हमने नहीं किया, अभी हमने उसको बता हम नहीं लगा पाए कि क्या चीज़ लिखा हुआ एक्चुअली, ठीक है। हड़प्पन्स डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, वो बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन नहीं लिखा करते थे, कि बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन रहा करते हों, ठीक है, उनके इंस्क्रिप्शन छोटे छोटे हुआ करते थे, ठीक है, छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शन वर रिकॉर्डेड ऑन द सील कंटेन ओनली अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है। तो कुछ सील्स में होकर थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ वर्ड्स हुआ करते थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिकल बट लार्जली पिक्टोग्राफिक, तो इनके स्क्रिप्ट्स में कोई अल्फाबेट वगैरह नहीं हुआ करता था, ये जो है पिक्टोग्राफिक जो है स्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, पिक्चर्स के फॉर्म में डिपिक्ट होते थे। देर आर 250 to 400 इन नंबर, तो अगर हम टोटल काउंट करें कितने पिक्चर्स थे, तो ये जो है 250 से 400 के बीच में रेंज करेंगे कहीं है। द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नोन बट इन द रूडिमेंट्री स्टेज, ठीक है, राइटिंग का पता था लेकिन बहुत ही जो है इनिशियल स्टेज में थी, रूडिमेंट्री स्टेज में थी अपने ये, ठीक है। इट वॉज जनरली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी जो लिपि थी वो कैसे लिखते थे, ब्राह्मी और खरोष्ठी, ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट और खरोष्ठी राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो खरोष्ठी की तरह जो है राइट टू लेफ्ट ये लोग भी लिखते थे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट ये लोग खरोष्ठी की तरह लिखते थे। बट इन फ्यू केसेस, ठीक है, इन फ्यू केसेस द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कुछ केसेस में अपोजिट डायरेक्शन, जैसे राइट टू लेफ्ट लिखे, जैसे यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा जो है वो लिखा करते थे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। वेयर देयर वॉज मोर देन वन लाइन द डायरेक्शन इज बेस्ट्रोफेंडन, ठीक है, बेस्ट्रोफेंडन दैट इज राइटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड अल्टरनेटिव लाइन्स। तो बेस्ट्रोफेंडन एग्जाम में आगे क्या होता है, तो बेस्ट्रोफेंडन मतलब यही होता है कि राइट से लिखना स्टार्ट करते थे, फिर लेफ्ट आते थे, फिर लेफ्ट से राइट जाते थे, फिर राइट से, यानी कि पेन उनकी उठती नहीं थी कभी, वो लिखते रहते थे जब लिखते थे, ठीक है, दो चीज़ थी। तो ये आपका हो गया बेस्ट्रोफेंडन और एंड ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो देखिए इसमें बहुत सारी जो है थियोरीज हैं कि कैसे एंड हुआ। तो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन एंड फाइनल कोलैप्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द सेवरल फैक्टर्स, ठीक है, रीजन और डिक्लाइन थियोरीज हैं, थियोरिस्ट क्या क्या थियोरीज हैं। देखिए नेचुरल कैलामिटी, ठीक है ना, ये कैनेडी जो है वो कहते हैं कि नेचुरल कैलामिटी की वजह से ये जो है डिक्लाइन हुआ। आर्यन इन्वेजन, मॉर्टिन व्हीलर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, आर्यन इन्वेजन लोग कहते हैं और ये मॉर्टिन व्हीलर कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है खत्म हुआ। फिर है एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है, ये कहते हैं गॉर्डन चाइल्ड, ठीक है, और
फिर आपका है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एस्टीन एंड घोष, ठीक है, अनस्टेबल वाटर सिस्टम, ये जो है लैम्बर्ट कहते हैं, अर्थक्विक कहते हैं रॉबर्ट रैकिस, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है ये आपका फेयर सॉल, ठीक है, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनकी थियरी है और रीजंस उन्होंने बताया कि क्यों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आर्यन इन्वेजन, ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं बट ये थोड़ा सा फेमस हो गया है, ऐसा कुछ पता नहीं कि कंफर्म आर्यन इन्वेजन की वजह से हुआ है नेचुरल कैलामिटी, बहुत जगह ये कहते हैं फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या रीज़न है ये पता नहीं है, तो एक बार आप इसको देखिएगा क्या रीज़न था इसका, ठीक है, क्यों जो है एक्सटेंट हुआ। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैदिक केस, ठीक है, वैदिक केस हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।